दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि मैग्नेट का पार्ट टू पे, यानी कि एक्सेप्टेड क्वेश्चंस टी टू 2023 का, यानी कि दूसरा पार्ट होगा मैग्नेट का। इससे पिछला वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों यानी कि डिस्क्रिप्शन में यानी कि जो है टेलीग्राम का और साथ ही साथ यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप का यानी कि लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी नया इन्फॉर्मेशन उसमें आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसका क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यानी कि कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए हम यानी कि सॉफ्ट आयरन का उपयोग करते हैं। किसका, यानी कि सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, यानी कि सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन जो दिया है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किसमें, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, हिस्टेरेसिस क्षति को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि हिस्टेरेसिस क्षति को कम करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो हिस्टेरेसिस क्षति को कम करने के लिए दोस्तों यानी कि सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका, यानी कि सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसमें दिया, यानी कि सिलिकॉन स्टील जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि कठोर फेराइट का हिस्टेरेसिस लूप लगभग डैश होता है, ठीक है। किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि फेराइट का कह रहा है। और दोस्तों फेराइट का जो हिस्टेरेसिस लूप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि इस प्रकार जैसे कि यानी कि वर्गा का आकार का होता है। किसका, वर्गा आकार का होता है, ठीक है। वर्गा आकार का होता है इसका लूप। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, यानी कि वर्गा आकार, ऑप्शन नंबर यानी कि सॉरी वृत्ताकार किसमें दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि वर्गाकार बी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर वर्गाकार जो दिया है यानी कि बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यानी कि फेराइट का ओनली फोर जो होता है ये, यानी कि फेराइट का जो बनता है ना, फेराइट का ही वर्गाकार होता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, यानी कि किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा वाइंडिंग तरीके से लपेटे हुए तार में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इससे जब प्रवाहित होता है तो यानी कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होता है, जिसको ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए मैग्नेटिक इफेक्ट, तो सही आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित है। क्या कह रहा है, यानी कि कठोर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों यानी कि निकेल आयरन, ये तो कठोर है ही। क्रोम दिया है दोस्तों यानी कि निकेल के अपेक्षा ये थोड़ा इससे कम कठोर है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। और कार्बन, तो कार्बन स्टील तो और यानी कि इससे कम कठोर है, तो इनमें से सभी तो होगा नहीं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि सबसे अधिक कठोर नहीं है, ठीक है, यानी कि सबसे अधिक कठोर वाला पदार्थ नहीं है वो, यानी कि ए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए तो यानी कि इसमें जो होगा यानी कि क्रोम स्टील हो जाएगा। कौन सा, क्रोम स्टील, ठीक है। सबसे ज़्यादा की बात किया जाए तो क्रोम स्टील हो जाएगा, और सबसे कम की बात पूछ रहा है तो यानी कि निकेल आयरन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, निकेल आयरन, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है, ठीक है, यानी कि विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि बेल में किया जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन में यानी कि चुंबक का प्रयोग नहीं करते हैं, रिले में भी करते हैं और ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों नहीं जो किया जाता है यानी कि इलेक्ट्रिकल आयरन में नहीं किया जाता, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन में उपयोग नहीं करता है। तो राइट आंसर नहीं वाला पहचानना था, राइट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, मोटर्स में कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि मोटर्स में जो चुंबक प्रयोग करते हैं यानी कि टेम्पोररी मैग्नेट प्रयोग करते हैं। क्या, यानी कि अस्थाई मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जब बिजली का सप्लाई दिया जाता है तो ये वर्क करता है, और जब बिजली का सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये यानी कि वर्क नहीं करता है, तो इसीलिए इसको यानी कि टेम्पोररी मैग्नेट कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ में धारण शक्ति उच्च होती है वह निम्न में से क्या बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि जिसका धारण शक्ति यानी कि उच्च होता है, ठीक है, यानी कि उच्च होता है, उसको हम यानी कि अस्थाई चुंबक बनाते हैं, ठीक, उससे हम अस्थाई चुंबक बनाया जाता है, अस्थाई यानी कि मैग्नेट बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, यानी कि अस्थाई मैग्नेट, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है। क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, यानी कि डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑप्शन ए में कॉपर, कॉपर तो नहीं है, बिस्मथ भी नहीं है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि
प्रति मैग्नेट यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, जिसको यानी कि डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो दोस्तों यानी कि डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यानी कि तांबा तो नहीं होगा, नहीं बिस्मत होगा, नहीं निकेल होगा, नहीं कोबाल्ट होगा। तो दोस्तों यानी कि इसमें एक और ऑप्शन यानी कि ऐड कर लीजिए, समझिए यानी कि पानी, ठीक है, यानी कि पानी। और पानी जो क्या है दोस्तों, यानी कि प्रतिचुंबक यानी कि डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, या लकड़ी, ठीक है, या लकड़ी, ये क्या है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो राइट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, एक पदार्थ जिसकी धारण शक्ति कम होती है डैश के कारण निर्माण में उपयोग हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि जिसका धारण शक्ति कम होता है, ठीक है, जिसका धारण शक्ति कम होता है उसे हम क्या बनाते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों जिसका धारण शक्ति कम होता है उसे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, क्या, इलेक्ट्रो यानी कि मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि बिस्मत एवं एंटीमनी डाई मैग्नेटिक मैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण है, इनकी चुंबकशीलता क्या है, ठीक है, क्या, बिस्मत एवं एंटीमनी का, ठीक है। चलिए बिस्मत और एंटीमनी क्या है, यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसका चुंबकशीलता पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का चुंबकशीलता होता है यानी कि बहुत कम होता है, क्या होता है, यानी कि बहुत कम होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, कम होता है, एक से कम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी में दिया है, बहुत कम या एक से कम, यानी कि एक से कम ही होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ में चुंबकशीलता कितनी होती है, क्या, किसका पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें यानी कि थोड़ा मोड़ा चुंबक का गुण होता है उसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत कम जो होता है दोस्तों यानी कि मैग्नेट का गुण, उसी को यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए में कर एक से यानी कि कम, तो दोस्तों यानी कि एक से जो कम वो तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है, ठीक है, किसका होता था, यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। एक से अधिक होता है, लेकिन एक से थोड़ा ही अधिक होता है, ज़्यादा अधिक नहीं होता है, ठीक है, एक तो नहीं होता है, और ये जो है दोस्तों यानी कि निम्न से कोई नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो राइट आंसर तो होगा दोस्तों यानी कि एक से थोड़ा अधिक होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि सामग्री ऐसी सामग्री है जो, ठीक है, सामग्री ऐसी सामग्री है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकित हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि कमजोर रूप से जो चुंबकित हो जाता है उसको हम कहते हैं यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, यानी कि पारा यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, इनमें से लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं वो बताना है। तो प्लेटिनम तो होता है, लोहा भी होता है, निकेल भी होता है, लेकिन दोस्तों ये कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट जो है लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है कॉपर और सीसा, ठीक है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन ए में कॉपर और सीसा दिया हुआ है, ठीक है। और बी में दिया है प्लेटिनम, प्लेटिनियम तो यानी कि ये क्या है, ये तो यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, नहीं एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पैराचुंबकीय सब्सटेंस है। तो राइट आंसर की बात किया जाए कॉपर और सीसा क्या है दोस्तों, यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्रव एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ हमको बताना है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है, यानी कि ऑप्शन ए में कॉपर, कॉपर तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, प्लेटिनम ये नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है, और दोस्तों ये जो है यानी कि स्टील क्या है, यानी कि स्टील जो है यानी कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न है सोलेनाइड का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि सोलेनाइड का जो प्रयोग हम करते हैं वो कहाँ नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि मोटर में, ठीक है, मोटर में तो किया जाता है, बी में है यानी कि विद्युत घंटी में भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों इसको सेल में नहीं करते हैं, ठीक है, सेल में इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो राइट आंसर नहीं वाला पहचाना था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय किया जा सकता है, ठीक है, तो यानी कि विचुंबकन कब कर सकते हैं। तो दोस्तों या तो उसको हथौड़ा से यानी कि तोड़ देंगे खुंड खुंड में, और उसको गर्म किया जाए फिर भी उसका गुण समाप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि ए और बी दोनों अगर किया जाए तो यानी कि चुंबक जो है यानी कि विद्युत चुंबक यानी कि विचुंबकीय बन जाएगा, ठीक है, यानी कि खराब हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। तो दोस्तों ये नियम जो बताता है वो फैराडे के प्रेरण नियम बताता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय फैराडे का द्वितीय नियम बताता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि विपरीत चुंबकीय ध्रुव आपस में एक दूसरे को क्या करेगा। देखिए दोस्तों ये क्या है, यानी कि मैग्नेट है, ठीक है। एक यानी कि नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। एक और यानी कि मैग्नेट यहाँ पे अगर लिया जाए, ठीक है, एक और अगर मैग्नेट यहाँ पे लिया जाए, इस साइड यानी कि साउथ पोल और इस साइड यानी कि नॉर्थ पोल, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेगा, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब यानी कि दोनों अगर यानी कि सेम ही पोल होगा, ठीक है, तो वहाँ पे यानी कि दोनों क्या होगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, अलग अलग पोल कह रहा है तो यानी कि ये दोनों को आकर्षित करेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, यानी कि डीप कोण पूछ रहा है, यानी कि डीप एंगल पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि डीप एंगल जो होता है यानी कि 19 डिग्री का होता है, एग्जाम में आया है क्वेश्चन और इस बार आएगा जरूर, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया है? 19, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो दोस्तों यानी कि चुंबकीय सुई जो संकेत किस तरफ करता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि पूरब की तरफ, ठीक है। बी में कह रहा है दोस्तों यानी कि पश्चिम की तरफ, पश्चिम नहीं करते हैं, ठीक है, और दक्षिण की ओर करता है, उत्तर की ओर भी करता है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि ई हो जाएगा, ई यानी कि सी और डी दोनों होता है, तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि ई हो जाएगा, ठीक है। कौन सा करेक्ट आंसर? यानी कि ई हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स को निरूपित करते हैं। तो दोस्तों यानी कि फ्लक्स को किसको, यानी कि फ्लक्स को जो दर्शाया जाता है उसको यानी कि फाई से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? फाई। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए, आपका आप लोगों को जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको भी कुछ सपोर्ट मिल सके।